स्त्री टू। ओ स्त्री, जल्दी आना कहते कहते बहुत साल लगा दिए यार, बट जब आई है तो धमाका हुआ है बॉस, मज़ा आ गया। ये फिल्म को लेके मैं एक वर्ड में अगर बात बोलूँ ना, सीधा खतरनाक, एंटरटेनिंग, हॉरर कॉमेडी, ब्लॉकबस्टर फिल्म। थिएटर में कुछ सीन्स, क्योंकि जब देखो हॉरर कॉमेडी और पूरा का पूरा थिएटर भरा हुआ है ना, तो जहाँ पे कुछ हॉरर वाली चीज़ें होने लगती है ना, ऑडियंस पहले ही चिल्लाने लगती है। वो एक जो एक नज़ारा है ना देखने के लिए, वो मज़ा ही आ जाता है। और श्रद्धा कपूर को लेके मैं एक बात ज़रूर कहूँगा यहाँ पे, इट्स नॉट अबाउट श्रद्धा कपूर ओनली यार, श्रद्धा कपूर की तगड़ी फैन फॉलोइंग ही, वो बात अलग है। फिल्म इतनी बेहतरीन बनाई है ना, मतलब देखो सरकटा वाला एंगल मानो या ओवरऑल अगर आप पहले पार्ट से कैसे कनेक्टेड है फिल्म वो पकड़ के रखो, या फिर क्या भेड़िया वाला एंगल आता है, या क्या ये यूनिवर्स कहाँ पे जाएगा आगे, स्त्री थ्री आएगी या नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। बट सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इस फिल्म में कुछ मज़ा आता है ना भाई, तो भाई राजकुमार राव ने जिस तरीके से, भाई उसका कॉमिक टाइमिंग तो देखो यार, वो कॉमेडी कितना, मतलब यार वो जो कैरेक्टर है वो बिकी बिकी, अरे यार उसके वो एक्सप्रेशंस अभी भी याद, कंटिन्यू उसका फेस आ रहा है यार, वो यार भूत का फेस नहीं आ रहा है यार, लेकिन उसका फेस आ रहा है। देर आर कॉमेडी कैमियोज ऑल्सो बाय द वे, बट यार एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये फिल्म मिस ही मत करना। और रही बात श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर की, हम यहाँ पे तो स्पॉइलर फ्री ही बात कर रहे करने वाले हैं, लेकिन भाई वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिसके बारे में बहुत कुछ स्पेशली वीडियो बनाने पड़ेंगे बाद में। इस टाइप का वो कैरेक्टर है, वो अलग ही लेवल का है भाई। और बीच बीच में ऐसे कैसे गायब हो जाती है, क्या है राज ऐसा कि, और क्यों आई है स्त्री वापस, क्या सच में आई है या सिर्फ ड्रामा है या फिर कुछ नाटक चल रहा है, ये भी आपको, मतलब इट्स लाइक कि जब आप देखते हो ना फिल्म, आप फिल्म देखने भी जब जाते हो ना, तब आपके मन में सच में सवाल होते ही है कि क्या होगा अब। क्योंकि जब वो एंड हुआ था पिछला, आपको याद होगा ना, जहाँ पे वो चोटी वो श्रद्धा कपूर को मिलती है और बाद में वो गायब हो जाती है अचानक, तो बाद में वो कहा गई, क्या था उसका राज, यही तो है भाई। बहुत कुछ है यार बताने जैसा, बट यार नहीं भाई क्योंकि नहीं देखो भाई, ये फिल्म है जो मुझे डर रहता है कभी कभी जब ऐसी फिल्में आती है ना कि कहीं कुछ स्पॉइलर ना बोल दे, तो ना बट स्पॉइलर फ्री रिव्यू है ये। एक बात ज़रूर कहूँगा भाई कि ये जो दोस्ती, ये जो इन, हाँ एक बात ज़रूर कहूँगा भाई, पंकज त्रिपाठी फैंटास्टिक है भाई, आउटस्टैंडिंग बंदा, आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर है वो। ऊपर से ऐसे भी कुछ राज है बाय द वे कि स्त्री वन में भी थे और कुछ राज खुलने बाकी थे, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं भाई आपको जो देखने को मिलने वाली है, बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे। बट अगर फिल्म की कोई ताकत है ना भाई, तो वो सॉन्ग्स भी है और म्यूज़िक भी है यार। हर एक सॉन्ग फिल्म का, हर एक सॉन्ग ये यार इसकी ताकत बन गए हैं। देखो कभी कभी फिल्म तो ऑलरेडी ट्रेलर टीजर सबको पसंद आया ही था, श्रद्धा कपूर के फैंस तो टूट पड़ेंगे इस फिल्म पे, ये रुकने ही नहीं वाली है, इसमें भी कोई शक नहीं है, ये 1 या 1.5 महीना नहीं रुकेगी, ये भी गारंटी है। बट जो पावर है इसकी वो है सॉन्ग्स भी यार का, और अगर सब कुछ अच्छा हो और उसमें अगर सोने पे सुहागा, यानी सॉन्ग्स भी आपका, म्यूजिकल ट्रैक्स भी अच्छे हो यार, और क्या चाहिए आपको। और ये जो लोग बोलते हैं भाई एक मास ऑडियंस, भाई ये एक्शन भी है थोड़ी बहुत, इसमें एक्शन भी है, हॉरर भी है, कॉमेडी भी है, सेंस ऑफ ह्यूमर तो बेहतरीन ही है सबका, स्पेशली हमारे विकी भैया का। तो भाई ओवरऑल इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मैं कोई भी निगेटिविटी निकालूँ, ये मुझे तो नहीं भाई, और एंटरटेनमेंट का फुल ऑन तड़का है, लोग क्यों भाई मिस करेंगे इस ऐसे टाइप की फिल्म यार। तो यार जाओ जाके देखो, एंजॉय मारो यार, ये इस फिल्म का कुछ अलग ही लेवल है। और जब थिएटर में तो फुल भीड़ थी, वो तो छोड़ ही दो, अगले 2 शोज भी भर गए भाई, इट्स लाइक कि मतलब आज छोड़ो अगले 3 दिन के टिकट्स ही नहीं मिलने वाले इस फिल्म के, लोगों ने भाई संडे तक तो बुक ही करके रखा है। मुझे तो भाई अचानक गदर 2 वाली याद आ गई भाई, क्या पता भाई स्त्री 2 कहाँ पे रुकेगी या रुकेगी ही नहीं, मज़ा आ गया भाई सच में। और है भाई ऐसे बहुत से कुछ चीज़ें हैं जो खुलेगी आपको फिल्म में, क्या है सरकट है क्या राज,
क्यों है वो ऐसा तंग कर रहा है सबको। बहुत सी चीज़ें हैं भाई जो आपको एक, और एंड में आप बहुत, मतलब एक तरीके से आपके फेस पे एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई हाँ अब बॉलीवुड इज़ बैक बोल सकते हैं। 2024 में बॉलीवुड के लिए, बॉलीवुड की बात करो, मैं कुछ उतना अच्छा हुआ नहीं है अभी तक। सो या ये हो सकती है भाई हाईएस्ट बॉलीवुड की तरफ से इस साल की फिल्म। देखते आगे क्या, आगे देखेंगे, बट ये तो होने के फुल चांसेस दिख रहे हैं। मैं हिंदी बॉलीवुड की तरफ से बोल रहा हूँ। वीडियो को शेयर मारो भाई, इसका मैं एक भी स्टार क्यों काटूँ भाई, 5 out of 5। हाँ और एक 5, मैं 4 देने का भी सोच रहा था, बट भाई वो सॉन्ग्स भी तो याद आ गए मुझे, तो मैं काटूँ ही क्यों इसके स्टार रेटिंग्स, मुझे नहीं पता। वीडियो को शेयर करना।